नमस्कार दोस्तों, मैं शरद जैन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग विद शरद में। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एचटीएमएल की एक सीरीज जो उसका नाम है हमारी एचटीएमएल असाइनमेंट। तो इसमें आप लोग क्या क्या समझने वाले हैं, देखिए, अगर आप लोग एचटीएमएल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या एचटीएमएल की आपको नॉलेज है, अब आप ये समझ रहे हैं, आप अगर आप एक बिगनर हैं एचटीएमएल के अंदर में भी, और अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई मैं एचटीएमएल तो मैं पढ़ चुका हूँ बट इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं क्या क्या नहीं बना सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके यहाँ पे क्लियर आउट करूँगा। तो ये कुछ टॉपिक है अपने जहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अभी अपना एचटीएमएल कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, मतलब जिन्होंने एचटीएमएल के कोड को तो पढ़ लिया है बट अब उनको ये नहीं पता कि उस कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ पे करें या फिर कोड को हम लोग लाइव वेबसाइट वगैरह में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितने भी टैग आप लोगों ने सीखे हैं या सीख चुके हैं तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ों को बना सकते हैं उनको मिलाकर अपना, तो ये हमारे कुछ असाइनमेंट रहेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले सिंपल सिंगल पेज क्या होता है, रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, इनवॉइस बिल कैसे बना सकते हैं, सिंपल इमेज स्लाइडर कैसे बना सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड लिंक कैसे क्रिएट होते हैं, और एक लास्ट में हम लोग देखेंगे सिंपल सा स्टैटिक पेज लाइक W3 स्कूल, जैसे W3 स्कूल का पेज होता है आपका कि किसी भी ट्यूटोरियल पर क्लिक करने पर आप उसके बारे में समझ सकते हैं, उसकी कोडिंग वगैरह देख सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हम लोग इसमें बना के देखेंगे। और एक हम लोग इसमें देखेंगे नेस्टेड टेबल की हेल्प से एक सिंपल सी टेम्पलेट बना के भी हम लोग देखेंगे। इतना चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपकी एचटीएमएल का जो बेस है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब चीज़ों को अब आप समझ सकते हो कि भाई एचटीएमएल में जो हमने चीज़ें सीखी थी एक्चुअल में उसका यूज़ हमें कब कैसे और कहाँ पर करना होगा। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ में। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, वहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि एचटीएमएल का जो पेज बनता है उसमें हमें बिगिनिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर लगाने चाहिए और उस स्ट्रक्चर का हमारा मतलब क्या होता है। देन उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल सिंगल पेज बनाना आपका। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप जुड़ते रहिए और मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।